दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज, मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज पूरा देश जो है वो जश्न मनाता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर चाहे हिंदू हो, फिर चाहे मुसलमान हो, फिर चाहे सिख हो, फिर चाहे ईसाई हो, हर कोई एक स्वर में बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी और कांग्रेस भी एक स्वर में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यकीन नहीं तो ये ट्वीट देख लीजिए, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस एक ही बात बोल रहे हैं, और साथ ही साथ पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि दोनों की बात सेम हो, दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे की बात पर हामी भरते हुए दिखाई दे रहे हो। पहली बार ऐसा देखने को मिला है, और शायद इसके बाद देखने को भी ये नहीं मिलेगा। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, वर्ल्ड कप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच अहमदाबाद स्टेडियम की बात की जाए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात की जाए अगर, तो वहां पर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा लोगों ने शिरकत की है। पूरा ब्लू होता हुआ स्टेडियम दिखाई दे रहा है, इतने ज्यादा लोग वहां पर अभी से इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अगर प्रियंका गांधी की बात की जाए, तो प्रियंका गांधी तेलंगाना में भाषण के दौरान बताने की कोशिश कर रही थी कि इंडिया इस समय सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 24 ने भी प्रियंका गांधी के इस भाषण को कवर किया है, ट्वीट करता हुआ न्यूज 24 दिखाई दे रहा है, जहां पर कई बातें टीम इंडिया को लेकर प्रियंका गांधी कहते हुए दिखाई दी। मैं आपको दोस्तों बता दूं, शुक्रिया भी अदा किया प्रियंका गांधी ने उन लोगों का जो उस भाषण को सुनने आए, क्योंकि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप है। ऐसे में लोगों ने जो वक्त निकाला प्रियंका गांधी के लिए, उसको लेकर प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद करते हुए दिखाई दी। आपको बताऊंगा बीजेपी और कांग्रेस क्या लिखते हुए नजर आई, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा प्रियंका गांधी क्या कहते हुए दिखाई दे रही उस पर थोड़ा नजर डाल। बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको एक कष्ट देने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। हमारी टीम बड़े बड़े रिकॉर्ड को हासिल कर रही है, बैटिंग में, बॉलिंग में, जीत में। सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि हमारी एकता का प्रतीक है, हर मजहब के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग प्रदेशों से खिलाड़ी, अलग अलग भाषा बोलने वाले खिलाड़ी सब एकजुट होकर हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। तो आज यहाँ खड़े होकर सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि एक अच्छी तरह से जीते, और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट। मेरे साथ बोलो, जीतेगा जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा कर ले। इसी के साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, बॉलीवुड स्टार भी अहमदाबाद जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ गोदी मीडिया पत्रकार भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। अब बात कर लेते हैं उस ट्वीट की, जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि बीजेपी और कांग्रेस एक सुर में बोलते हुए दिखाई दी हो, लेकिन आज ये पार्टी भी एक सुर में बोलते हुए दिखाई दी। कभी आपने नहीं देखा होगा कि बीजेपी भी वही बात कह रही है और कांग्रेस भी वही बात कह रही, लेकिन आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है पूरे देश का त्योहार। सोचिएगा, बीजेपी ने आज तक शायद ही कभी कांग्रेस की बात में हां मिलाई होगी, या फिर कांग्रेस की बात कर ली जाए कि कभी बीजेपी की बात पर हां में हां मिलाई होगी, लेकिन आज जब मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड कप होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दोनों पार्टी एक साथ बात करते हुए दिखाई दे रही। मैं आपको दोस्तों बता दूं, कांग्रेस लिखते हुए नजर आ रही, पहले बीजेपी ने ट्वीट किया है, कम ऑन टीम इंडिया, वी बिलीव यू। ये बात बीजेपी लिखते हुए दिखाई दे रही, ट्वीट बीजेपी के पेज से हुआ है। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से रीट्वीट किया गया इसी ट्वीट को लेकर, जो बीजेपी ने किया है, ट्रू डेथ, जीतेगा इंडिया, यानी कि सच है, जीतेगा इंडिया। तो सोच सकते हैं आप आज का दिन कितना ज्यादा स्पेशल है पूरे इंडिया के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए, जब हर कोई आज एक ही रंग में रंगा हुआ है, हर कोई चाहता है कि टीम इंडिया जीत जाए। आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप किस तरीके से आज के वर्ल्ड कप को देखते हैं, और साथ ही साथ जो आज अजूबे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर भी नफरत की बात नहीं हो रही, आज हर कोई देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है, हर कोई चाहता है कि टीम इंडिया जीत जाए। यूनिटी के साथ पूरा इंडिया, टीम इंडिया जो अपनी क्रिकेट टीम है उसके साथ खड़ा हुआ है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप किस तरीके से पूरी खबर को देखते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।